चाबी भूलने के बाद जो हादसा हुआ है ना, पूरी दुनिया में ये हादसा सिर्फ गोकुलधाम वालों के साथ हो सकता है और किसी के साथ नहीं हो सकता। और गोकुलधाम वालों में भी जो किसी के साथ नहीं होता वो जेठालाल के साथ होता है। और दुनिया में जो कहीं ना हो वो हमारे पप्पू के साथ होता है। क्यों भाई, मेरे साथ क्या हो रहा है? भाई शादी होते होते रह जाने का रिकॉर्ड। अरे हंस क्या रहे हो आप लोग? हंसो मत, आप सब लोग भाग्यशाली हो कि आपकी शादी हो गई है। आप लोग मेरा दर्द नहीं समझ पाओगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में भी हमें एक ही सोसाइटी में मिलाना, और तब मेरी शादी हो गई हो और तुम सबको कुंवारा रखे। पुपटलाल, पुपटलाल, रुको, मैं अभी जाकर माधवी को बोलता हूँ कि तुम्हारे पोपट भाऊजी कह रहे हैं कि अगले जन्म में हम ना मिले। हाँ, मैं भी बोलता हूँ अंजलि को कि तुम जिसे भाई मानती हो ना, वो ये चाह रहा था कि हमारी शादी नहीं हो अगले जन्म में। मैं भी बबीता को जाकर बोलता है, और मैं भी अभी रोशन को जाकर तेरी कंप्लेंट करता हूँ। हाँ, मैं भी अभी जाकर कोमल को कहूंगा। मैं भी किसी से नहीं कहूंगा। अरे रुको भाई, मेरा वो मतलब नहीं था। कहाँ मेरी बहनों के साथ मेरी दुश्मनी करवा रहे हो? चलो मेरी बात कैंसल। हाँ, आ लाइन पे तोड़े की अड्डे की बात ही निराली है। बात कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाके खत्म होती है? एकदम करेक्ट है डॉक्टर आदि, जेठालाल की चाबी भूलने से बात शुरू होकर हमारे अगले जन्म तक पहुंच गया। बागा? हाँ बोल बागा। गुड इवनिंग सेठ जी, क्या कर रहे हैं? मैं दोस्तों के साथ सोडा पी रहा हूँ दोस्त। अरे वाह, मस्त, अच्छा है आपको सोडा पी रहे हैं। मुझे देखिए, यहाँ शर्ट में बटन लगा रहा हूँ। तूने अभी ये बताने के लिए मुझे फोन किया कि तू शर्ट में बटन लगा रहा है? जेठालाल, बागा को डांटो मत। क्यों? अरे भाई वो कुंवारा है, कुंवारे का दर्द और परेशानी तुम नहीं समझ पाओगे। अरे कुंवारे यूनियन के सेक्रेटरी, जरा शांति रखो। अरे भाई बागा, तू शर्ट पे बटन लगाते लगाते फोन कर रहा है, मतलब फोन क्या स्पीकर पे है? हाँ सेठ जी, मुझे पता है, फोन स्पीकर पे रख के अगर कोई बात करे वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे क्या है, काम की बात कोई भी सुन सकता है। हाँ, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इस वक्त मेरे आसपास कोई नहीं है, मैं घर पे बिल्कुल अकेला हूँ। चलो अभी बता फोन क्यों किया। सेठ जी, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि आज पूरा दिन गोडाउन की चाबी और वो गोयल साहब के साथ डील करने में हम एकदम बिजी रहे, उसमें मेन काम तो रह ही गया, उस वजह से एक बहुत बड़ी बात साइड में रह गई। कौन सी बड़ी बात साइड में रह गई? बताता हूँ सेठ जी, क्या हुआ, गोडाउन से निकल कर मैं गया, पता है कहाँ गया? कहाँ? पद्मावती भोजनालय। और वहां जाकर देखा तो क्या क्या, गर्मा गर्म उंधियों, पूरी, श्रीखंड, पुलाव, मीठी कढ़ी। अरे भाई तो पद्मावती भोजनालय का मेन्यू मुझे मत बता, कौन सी मेन बात साइड में रह गई वो बता। वही बता रहा हूँ सेठ जी, फिर पद्मावती भोजनालय से मैं सीधा घर आया, आके तो पहले नहा लिया, फिर मैंने सोचा जो मेन काम रह गया है वो कर लूं। तो क्या हुआ सेठ जी, सुई मेरे हाथ में चुभ गई, मैं आपको थोड़ी देर के बाद फोन करता हूँ। सॉरी सेठ जी। फोन काट दिया भागा भी। बोलो अभी फोन उठा नहीं रहा है। पर जेठल बात क्या हुआ क्या? बागा कह रहा है आज का मेन काम रह गया। कौन सा काम? वही वो बताने जा रहा था, इतने में वो शर्ट में बटन लगा रहा था ना, तो उसको सुई लग गई, तो हिम्मत करके फोन काट दिया। अरे बाप रे, फिर मैंने फोन लगाया तो उठा नहीं रहा। फिर अभी जड़ेलाल कैसे पता चलेगा कि क्या काम बाकी रह गया? वही तो, अभी वो बागा का कॉन्टेक्ट होता मालूम पड़े ना।
नहीं, पर कोई खास बात नहीं होगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी, मेरे ख्याल से फोन आ जाएगा उसका, चिंता मत करो। उम्मीद तो यही है कि कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन आप तो जानते हैं ना मेरी कुंडली कैसी है, कुछ भी हो सकता है। साहब आज जरा फोन बाजू में रख के सोना, ताकि मैं फोन करूं तो जरा उठा लेना। जेठा लाल, मेरा फोन हमेशा मेरे पास ही होता है, और तुम्हारा फोन मैंने कब नहीं उठाया, हमेशा तो उठाता हूँ। चलो चले। अरे जेठा लाल, मेंटेनेंस का चेक देने की तारीख बीत चुकी है, तो कृपा करके कल याद से चेक दे देना। अरे यार इधर अलग टेंशन चल रहा है, तू यार मेंटेनेंस का चेक को लेकर रो रहा है। रो नहीं रहा मैं जेठा लाल, जैसे तुम्हें बिजनेस का टेंशन होता है ना, वैसे मुझे भी सोसाइटी के सारे काम टाइम टू टाइम हो, इस बात का टेंशन होता है। टेंशन मत लो, कल तुम्हें चेक मिल जाएगा। बगुया, देखते हैं मिलता है कि नहीं। मैं बोला ना मिल जाएगा यार। चलो 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 चलो। ओ चिकनो भाई, तू तो यार चिकनो है, मुड़ना सोसाइटी चल रही है। अरे अरे हां रे, अरे चेक, अरे पर अंजलि, कुछ लोगों की कुंडली भी कितनी अजीब तरीके से लिखी होती है, हमेशा परेशान ही रहते हैं वो लोग। जैसे? जैसे मैं हमेशा डाइट फूड से परेशान रहता हूँ। और जैसे मैं हमेशा परेशान रहती हूँ कि आपकी सेहत ना बिगड़ जाए, आपका वजन ना बढ़ जाए। अरे आप भी मेरी तरह हेल्दी बन जाइए ना, तो डाइट फूड की बात ही नहीं होगी। अंजलि, इस वक्त मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। और अभी तो आपने कहा कि आप डाइट फूड से परेशान है। अरे मैं उदाहरण दे रहा था, कोई बातचीत जब प्रारंभ होती है तो आदमी उदाहरण देता है ना। मैं बात कर रहा था जेठालाल की, उसकी कुंडली भी इतनी कमाल की है ना कि हर वक्त परेशानी। क्यों, अब क्या हुआ? अरे क्या हुआ, अब भगवान करे कि ये जो बागा ने फोन किया था और बात नहीं हो पाई, ये कोई टेंशन वाली बात ना हो। पर अब वो तो तब भी पता चलेगा जब बागा भाई उन्हें फोन करेंगे। हाँ, जैसे ही बागा उसे फोन करेगा, जेठाल मुझे फोन करेगा। फिर तो अच्छा है कि उनका फोन ही आपको ना आए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना अंजलि। क्यों? अरे मैं उसका फायर ब्रिगेड जो ठहरा, उसे कोई प्रॉब्लम होगी तो किसे फोन करेगा, मुझे ही फोन करेगा ना। हाँ हाँ, मतलब आपको फोन जरूर करे, पर कोई टेंशन वाली बात के लिए नहीं। जेठाल को टेंशन होता है ना, तो उससे कहीं ज्यादा टेंशन मुझे हो जाता है। बस अब ये टेंशन उस पे ट्रांसफर होने वाला है। वो तो होगा ही ना, आप उनके परम मित्र जो ठहरे। मैं काम करता हूँ ना, मैं उसको फोन करके पूछ लेता हूँ कि बागा से उसकी बात हुई या नहीं, वरना मेरे दिमाग में यही चलता रहेगा कि बागा फोन उसे करेगा और जेठल का फोन मुझे आएगा। अरे अगर उनकी बागा भाई से बात हो जाती और कोई प्रॉब्लम वाली बात होती तो आपको फोन करते हैं ना, मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आप जल्दी से ना इस टेंशन को अपने माइंड से डिलीट कीजिए और शांति से सो जाइए। टेंशन नहीं होगा दिमाग से डिलीट अंजलि, मुझे यही टेंशन लगा रहेगा कि उधर बागा फोन करेगा जेठल को और जेठल का फोन मुझे आएगा। कमाल, खुद फोन कर नहीं रहा है, मैं फोन करा तो उठा नहीं रहा है, जरा सी सुई लगी उसमें फोन कर दिया, इतना गुस्सा आ रहा है ना। इधर उधर की बातें करता रहा, जो मेन बात थी वो बताई ही नहीं। अरे वो बात तो सबसे पहले बतानी चाहिए ना, बेवकूफ। अरे बागा, मैं कब से फोन कर रहा हूँ, तो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सॉरी सेठ जी, वो आपके साथ फोन पे बात करते करते मेरी उंगली में सुई चुभ गई, इसलिए मैं डॉक्टर के पास गया था इंजेक्शन लगवाने, और मोबाइल घर पे ही रह गया था। अरे जरा सी सुई लगी उसमें तो डॉक्टर के पास चला गया? ये सुई जंग वाली थी। जंग वाली सुई? कौन से जंग वाली, पानीपत के जंग वाली? नहीं नहीं, जंग वाली नहीं सेठ जी, जंग जंग वाली सुई। जंग वाली सुई लगने पे सबको टिटनेस का इंजेक्शन ले लेना चाहिए, मैं भी टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने ही गया था। आपको पता है मेरा एक दोस्त है धनजी, उसको भी एक बार ऐसी ही सुई लग गई थी, उसने टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगवाया, फिर उसकी उंगली। अरे मुझे अभी कोई धनजी की कहानी नहीं सुननी है भाई, तो मुझे ये बता इतनी देर रात तक कौन सा डॉक्टर अपना दवाखाना खुला रख के बैठता है? वो मेरे बाजू में है एक डॉक्टर, डॉक्टर रातरोड़िया, उनका दवाखाना रात को 2-3 बजे तक खुला रहता है सेठ जी, और अगर 12 बजे के बाद जाओ तो 1.5 गुना फीस लेते हैं। दवाखाना चला रहा है कि रिक्शा? नहीं नहीं, दवाखाना ही चलाते हैं, लेकिन क्या है उनकी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो रिक्शा चलाते हैं, इसलिए रिक्शा से उनका एकदम करीबी नाता है, इसलिए 12 बजे के बाद जाओ तो नाइट चार्ज लगाते हैं।
अगर आपको कभी भी डॉक्टर की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं डॉक्टर रातरोड़िया को बता दूंगा, वो तुरंत रिक्शा करके आपके यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी आ जाएंगे। नहीं नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं, हमारे पास हमारे डॉक्टर हाथी है। नहीं, डॉक्टर हाथी तो है, बराबर है, लेकिन क्या है, डॉक्टर हाथी कभी बिजी हुए, बाहर गए, आउट ऑफ मुंबई गए। अरे भाई, तो अभी डॉक्टर की बात छोड़ना भाई, तो तेरी बात कर। मेरी तो बस कुछ नहीं, सुई लगी, इंजेक्शन लिया है, अभी ठीक है सेठ जी। अरे ये बात नहीं भाई, वो बात बता जो तू मुझे बताने जा रहा था, तभी तुझे सुई लगी और तूने फोन काट दिया, वो बात बता। हाँ तो सेठ जी, क्या हुआ, आज पूरा दिन बिजी रहे, इस चक्कर में मैं दुकान के ईमेल चेक करना तो भूल ही गया। फिर घर आकर मैंने ईमेल चेक किए तो आपको पता है किसका ईमेल आया? किसका? अरे आप सोच भी नहीं सकते, इनका ईमेल आया। इनका? बताता हूँ सेठ जी, बताता हूँ। उस मेल में जो लिखा है वो पढ़ के मैं तो एकदम हिल गया। आप भी जब वो मेल पढ़ोगे तो आप भी एकदम हिल जाओगे। अच्छा, ऐसा क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है, फिर से फोन काट दिया। ओ, फोन की बैटरी खत्म हो गई। अरे क्या हो, क्या गया इसे आज? बोलो, अभी फोन स्विच ऑफ करके बैठ गया। अरे बाघा, ये क्या खेल खेल रहा है तू आज मेरे साथ? ईमेल में ऐसा क्या लिखा है जो बाघा मुझे बताने से डर रहा है? उसमें डरने का क्या, आज नहीं तो कल मुझे बताना तो पड़ेगा ही ना। अरे फोन चालू कर भागा, फोन चालू कर। जब तक वो ईमेल में क्या लिखा है वो तो मुझे बताएगा नहीं, तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। मोबाइल चार्जिंग में हो तो किसी के साथ बात नहीं करनी चाहिए। थोड़ी देर के बाद सेठ जी को फोन करता हूँ। जब तक मैं जान ना लूं वो ईमेल में क्या लिखा है मुझे नींद नहीं आएगी। लगा लगा फोन लगा हाश। हाँ हेलो बागा, बागा हेलो, बागा उठ, ए बागा उठ। ये फोन उठा के खर्राटे ले रहा है। बोलो, मेरी नींद उड़ा के खुद घोड़े बेच के सो गया है, क्या करूं? एक काम करता हूँ, वैसे भी अभी नींद तो आएगी नहीं, तो उसके घर जाके उसको जगा के पूछ ही लेता हूँ, बता ईमेल में क्या लिखा है। बापूजी, अरे बापूजी, आप ही, सॉरी 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 बापूजी, सॉरी, आपको लगी तो नहीं? क्या सॉरी, आधी रात को भी तुझे शांति नहीं है, कहाँ जा रहा था? बागा के घर। क्या हुआ बागा को? वो सो रहा है। ये बापूजी, आधी रात को तो सब सोते ही है ना? मैंने सब सोते ही है बापूजी, लेकिन सोने से पहले उसने मुझे फोन किया था और कहा कि आज एक ऐसा ईमेल आया है जो आप पढ़ोगे तो आप हिल जाओगे। क्या लिखा है उसमें? वही मैंने उसको पूछा कि ऐसा क्या लिखा है ईमेल में, तो बताने की जगह उसने फोन काट दिया। फिर मैंने फोन लगाया तो फोन स्विच ऑफ करके बैठ गया। हाँ, फिर थोड़ी देर बाद मैंने फिर से फोन लगाया तो फोन लगा भी और उसने फोन उठाया भी। तो क्या कहा उसने? कुछ नहीं, फोन उठा के खर्राटे लेने लगा। थक गया होगा, नींद में फोन उठा लिया होगा, इसीलिए मैंने सोचा बापूजी कि अभी कभी उसके घर जाके उसको जगा के पूछ लेता हूँ कि भाई बता भाई ईमेल में ऐसा क्या लिखा है। क्या तू क्या भावरा हो गया?
उस ईमेल में क्या लिखा है वो जानने के लिए आधी रात को बाघा के घर जाएगा। जा जाके सो जा, कल सुबह फोन पे पूछ लेना। अरे खड़ा किया, जा सो जा। अरे कैसे सोऊं बापू जी, नींद ही नहीं आ रही है। वो ईमेल में क्या लिखा होगा सोच सोच के नींद उड़ गई है मेरी। चला जा, तुझे लोरी गाकर सुला देता। ठीक है, चल सो जा। नींद आ रानी। बाबूजी, हाँ, आप आधी रात को कहाँ पानी पीने जा रहे थे? हाँ, वो क्या है ना कि रोज तो पानी का जग टप्पू रूम में रख देता है ना। हाँ, अब तो टप्पू है नहीं, वो टप्पू सेना के साथ कैंप में गया है ना। हाँ, और मैं भी भूल गया। अरे तो मुझे कह देते बापूजी, मैं पानी का जग भर कर रख देता। तुझे बोलने का याद आता तो मैं खुद ही नहीं रख लेता। तो मैं भी भूल गया ना। हाँ, सो जा तू। रानी बाबू जी। हाँ, टप्पू कितने 3 दिन के लिए गया है ना। हाँ हाँ, तो ठीक है, कल से मैं ही याद रख के पानी का जग भर के आपके कमरे में रख दूंगा। हाँ ठीक है, तू अभी सो जा। निंदिया रानी। अरे कैम, पानी का जग मैं रख दूंगा, अब तो मुझे ही याद रह गया ना, तो मैं ही पानी का जग रख दूंगा। हाँ ये भी ठीक है, चुपचाप सो जा ना भाई। निंदिया रानी आजा रे आजा मेरे जगिया, आँखों में मीठे सब। भाई तू मुंह से मुझे क्या बजा रहा है? तो मुझे बजाएगा तो सोएगा कैसे? मुझे लगा मैं आपको गाने में थोड़ा साथ दूं। नहीं नहीं, मुझे साथ मत दे, तू सो जा। हाँ सो जा, चल आँख बंद। हाँ निंदिया रानी आजा रे आजा मेरे जगिया, ठंडी हवा का एक झोंका ले आजा, आँखों में मीठे सपने ले आजा। निंदिया रानी आजा रे आजा मेरे जगिया, तू झूला जा। एक बार चेक कर लेता हूँ, बागा का फोन या मैसेज आया तो नहीं। ना फोन ना मैसेज कुछ नहीं है, ये बागा भी ना। अभी तक सो रहा है क्या? एक काम करता हूँ, फटाफट तैयार होकर फटाफट दुकान पहुंच जाता हूँ, आज तो बागा की खैर नहीं। ओम मित्राय नमोम रवये नमोम सूर्याय नमोम भानवे नमोम खगाय नमः, ओम पूषणे नमोम हिरणगर्भाय नमोम मरीचय नमोम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमो अर्काय नमोम भास्कराय नमः, आदि देव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जीठा जी। और हो गया ब्रेकफास्ट? हाँ हो गया। इनफैक्ट अच्छा हो गया आप मुझे यहीं पे मिल गए, मैं आप ही को फोन कर रही थी। अरे तो कीजिए ना। सॉरी, मेरा मतलब बताइए बताइए क्या काम है मेरा? वो जेठालाल। अरे कौन है बे? कौन है बे? अरे मैं हूँ आत्मारम तुकाराम भिड़े। हाँ बोल भाई, क्या है? वही पुराना तेरा बहाना। तू जाना है? अभी सुबह सुबह फालतू का अंताक्षरी खेलने का टाइम नहीं है मेरे पास भाई। अरे अंताक्षरी कौन खेल रहा है भाई? तो ये वही पुराना तेरा बहाना, ये सब क्या है? ये सब ये है कि कोई बहाना मत देना, मेंटेनेंस का चेक दे देना। तू तो मेंटेनेंस के चेक की ऐसे उघरणी करता है जैसे 6-8 महीने से मैंने तेरा आचार पपड़ के बिल के पैसे ना दिए हो। नहीं 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 जेठालाल, आचार पपड़ के पैसे भी तुमसे 1 साल तक नहीं मांगूंगा, लेकिन अगर मेंटेनेंस का चेक तुम 1 दिन भी लेट हो गए ना तो मैं वसूली तो करूंगा ही। और तुमने तो कितने दिन मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा तुझे, आज चेक मिल जाएगा। ठीक है जा अंदर जा। मैं क्यों अंदर जाऊं? मेरी बालकनी है, जितनी मर्जी खड़ा रहूं।
अरे तेरी चाय उबल रही है, मस्त खुशबू आ रही है, जा जाकर पी ले वरना चाय ठंडी हो जाएगी। जेठालाल चाय पी ली है। चाय पी ली? चाय पी ली? तू पीली चाय पीता है हल्दी डाल के? अरे 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 कितनी घनेड़ा विनोद जेठालाल। अरे इसीलिए तो मैं बोला कि तू अंदर जा, पर तूला पण भिड़े कमी नहीं उपज रही चाय मग रहा उपा आंखी ने विनोद कर तो थम अरे ये भिड़े को अंदर भेजने के चक्कर में बबीता जी अंदर चले गए, उनको बिचारे का कुछ मेरा काम था, फोन करके पूछ लेता हूँ। हाँ जेठा जी। सॉरी बबीता जी, आप कह रहे थे आपको मेरा कुछ काम है, इतने में वो भीड़ आ गया तो। हाँ मुझे पता है, इट्स ओके, वैसे भी ये बात बालकनी से नहीं होती। हाँ हाँ बताइए बताइए बताइए। कटोगे? ये सिग्नल का आजकल बहुत प्रॉब्लम होने लगा है। जेठा जी फोन मत लगाइए। बबीता जी, अरे आप ऊपर से नीचे कब आ गए? मैं आपके घर पर आई थी आपसे बात करने। अरे पर्सनल मोस्ट मोस्ट वेलकम, भले भले पधारा, भले पधारा, आई 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 बबीता जी आई। आइए आइए बबीता जी, आइए आइए आइए, प्लीज प्लीज आइए बबीता जी, आइए आइए। ये जो आपने निर्णय लिया ना यहाँ आके बात करने का, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त निर्णय लिया आपने। क्या ये हम लोग शांति से बैठ के बात कर सकते? आइए आइए बैठिए बैठिए, आइए आइए आइए। नहीं नहीं बैठना नहीं है, इतनी लंबी बात नहीं है। नहीं नहीं वो एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड को नया मोबाइल लेना है, एंड आई एम सॉरी मैंने उसे आपके शॉप से लेने के लिए सजेस्ट किया है। अरे इसमें सॉरी क्या बबीता जी, ये तो अच्छा किया ना आपने। आई नो, पर फिर मुझे बाद में याद आया कि उसका नेचर बहुत ही फसी है। अच्छा मतलब वो कोई भी चीज खरीदने से पहले ना शॉपकीपर से हजारों सवाल पूछती है, तो हो सकता है कि आपको भी बहुत सारा सवाल पूछ पूछ के परेशान कर दे। अरे आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए बबीता जी, ऐसे कस्टमर लोगों को कैसे हैंडल करना मुझे बराबर आता है। आप एकदम बेफिक्र हो जाइए, आपके फ्रेंड मेरी दुकान से एकदम खुश होकर जाएंगे। ओके पर वैसे भी आप तो साथ में रहेंगे ना, तो हम दोनों मिलकर उनको संभाल लेंगे। मैं पहले आने वाली थी पर मुझे एक छोटा सा काम आ गया इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। कोई बात नहीं, कोई बात, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। क्या नाम क्या है? बबीता। क्या बबीता जी आप भी, अरे आपका नाम तो पता ही है ना मुझे। आपके फ्रेंड का नाम क्या, वो पूछ रहा हूँ। मेरी फ्रेंड का नाम है बबीता। क्या? नहीं। What? नहीं नहीं, ये नाम सिर्फ आपका हो सकता है, किसी और का नहीं। Come on जीठा जी, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए बबीता जी। क्या एक ही नाम दो लोगों के होते हैं ना तो फिर बहुत गड़बड़ होती है। आपको पता है बचपन में हमारे गांव में एक और बच्चे का नाम भी जेठालाल था। वो इतना शरारती था, इतना शरारती था, रोज कोई ना कोई शरारत करता था, शरारत करे वो और नाम मेरा आता था। अच्छा ओके 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 ठीक है, तो मैं चलती हूँ। हाँ और आप प्लीज जरा बबीता को संभाल लेना। बिल्कुल बिल्कुल, आप बेफिक्र रहिए बबीता जी। ओके ओके बाय, थैंक यू। चलो गोडाउन जाते ही बागा को कह दूंगा कि जितने भी लेटेस्ट मोबाइल आए सब निकाल के रख दे। तो बागा ने मुझे मीमेल के बारे में तो बताया ही नहीं। क्या भाई तू मानस है क्या? मानस कल रात से अधर ताल मुझे लटका के तू तो गायब ही हो गया। मीमेल में क्या लिखा है तू बता क्यों नहीं रहा है? सॉरी सेठ जी, वो मैं आपको बताने ही वाला था, लेकिन अचानक मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई और मेरा फोन बंद हो गया, और फिर मेरी बैटरी भी डाउन हो गई थी इसलिए मैं सो गया था। अरे तो आज सुबह मैंने तुझे फोन किया, तभी क्यों नहीं उठाया फोन? वो सेठ जी आपका फोन आया तब मैं नहाने गया था, फिर बाहर आकर पूजा पाठ किया और जैसे ही फोन हाथ में लिया तो देखा आपका मिस कॉल,
इसलिए मैंने तुरंत आपको फोन किया। तो अभी तो मुझे बताएगा मेल में क्या लिखा है कि अभी भी नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा ना, तो दिल थाम के बैठिए। भाई तू आड़ी अवड़ी बात छोड़, मेन बात कर भाई। ईमेल में क्या लिखा है वो बता सीधा सीधा। बताता हूँ सेठ जी, ईमेल में गुड न्यूज है, गुड न्यूज। अच्छा क्या? हमारी वो वाव रिसोर्ट के साथ जो डील चल रही थी ना, उसी के बारे में गुड न्यूज है। क्या क्या, जल्दी बोल क्या? वाव रिसोर्ट वालों का ईमेल आया है और लिखा है डील कन्फर्म है। क्या? आज 11 बजे वाव रिसोर्ट के मैनेजर मिस्टर सुब्बू गडा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके साथ डील फाइनल करने आ रहे हैं। क्या बात कर रहा? अरे पागल, क्या बात कर रहे तू दोस्त? अरे ये तो जबरदस्त गुड न्यूज। अरे गुड न्यूज नहीं, ये तो वाव वाव न्यूज है, वाव वाव। सेठ जी, इसे कहते हैं 100 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। हाँ देखिए ना, कल हमारी गोयल साहब के साथ डील फाइनल हो गई, आज ये वाव रिसोर्ट वालों के साथ डील फाइनल हो जाएगी। सेठ जी, हमारे सोने के दिन शुरू हो गए। ए भाई, पूरी रात इतना सोया है फिर भी सोने की बात कर रहे हैं? सेठ जी, सोने के दिन मतलब ऐसे ऐसे सोने के दिन नहीं, सोने के दिन मतलब सुवर्ण दिन, हमारे गोल्डन डेज शुरू हो गए। ठीक है ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिद्ध जी, दो दो डील फाइनल होने की खुशी में आपको मुझे और मगन को फालूदा पार्टी देनी पड़ेगी। हाँ अरे बागा, फालूदा पार्टी क्या, ये दो दो बड़ी डील फाइनल होने की खुशी में मैं तुम दोनों को एक एक पगार बोनस दूंगा, बस जा। क्या? थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। अच्छा बागा, तू अभी फटाफट गोडाउन पहुंचो, 11 बजे मिस्टर सुबू आने वाले, सारी तैयारी करके रख। मैं अभी थोड़ी देर में गोडाउन आने के लिए निकलता हूँ। ठीक है सेठ जी। ओके ओके चल। अरे थैंक यू भगवान जी, ओ भगवान जी। पता है तुझे ईमेल में क्या लिखा था? पता चल गया? हाँ बापू जी, पता चल गया। अरे वाह, इतना खुश नजर आ रहा है, मतलब ईमेल में जरूर कोई खुशखबरी है ना? बापू जी, खुशखबरी मतलब जबरदस्त खुशखबरी है। अच्छा क्या? बापू जी, वाव रिजॉर्ट करके बहुत बड़ा रिजॉर्ट है, तो बड़े लंबे टाइम से उनके साथ एक बड़ी डील को लेकर बातचीत चल रही थी, तभी ईमेल में उन्होंने लिख के भेजा के डील कंफर्म। 11 बजे उनका मैनेजर आ रहा है मीटिंग के लिए। अच्छा हाँ बापू जी, 50 लाख की डील है। 50 लाख? 50 लाख? हाँ बापू जी। क्या किया तूने? अरे बापू जी, आपके हाथ में ये तेल की बोतल कहाँ से आ गई? अरे कहाँ से आ गई क्या, अपने रूम से लेके आया हूँ। क्यों? अरे अभी थोड़ी देर पहले मैं झूले पे झूल रहा था, तो उसमें से किचुड़ किचुड़ आवाज आ रही, तो मैंने सोचा उसमें थोड़ा तेल डाल दूँ, लेकिन तूने तो तेल मुझ पे ही डाल दिया। सॉरी बापू जी, ये मुझे निकाल के दे दीजिए, मैं फटाफट धो देता हूँ बापू जी। नहीं भाई, तू रहने दे, मैं धो लूंगा। तू जल्दी दुकान जा, तेरी 11 बजे मीटिंग है ना। हाँ बापू जी, लेकिन आप ये जल्दी धो देना, वरना तेल का दाग जल्दी से जाएंगे नहीं। हाँ हाँ मुझे पता है, मैं धो लूंगा, तू जा जल्दी जा। ओके बापू जी, जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। सॉरी बापू जी। हाँ तू जा तू जा। ले इसे धो लेता हूँ, क्या मुसीबत है। गुड मॉर्निंग पिड़ू। गुड मॉर्निंग। ओए तेरे आचार से तेरे सुविचार, इना दा की कहना, आज पढ़िए तो सही की लिखा है। जीवन में इंसान को जो भाग्य में लिखा होता है उससे न ज्यादा न कम मिलता है। मेहनत, ईमानदारी और कर्म से इंसान अपना भाग्य जरूर बदल सकता है। वाह 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 वाह, तो क्या बात है पिड़ू, क्या टॉप मॉडल का सुविचार लिखा है, वेरी इंस्पिरेशनल है, और दिल खुश कर देता। बस इतना ही? मुझे लगा तुम हमेशा की तरह मुझे उठा लोगे खुशी से। ओए नेकी और पूछ पूछ, और तेरी इच्छा अभी पूरी कर देता। नहीं नहीं नहीं, थोड़ी देर रुक। नहीं नहीं थोड़ी, अरे तू आता, मैं मजाक, अरे यार मैं मजाक कर रहा हूं। नहीं नहीं उठाना नहीं, अरे सॉरी, नहीं नहीं
बोलो ना पीड़ू को एक बार उठाने दे प्लीज। अरे देखिए ना हाथी भाई, मना करो फिर भी थोड़ी को मुझे उठाना है। थोड़ी तुम मुझे उठा। तुझे पता है बचपन में लोग मुझे सो क्यूट करके कितना उठाते थे गोद में। पर पता नहीं क्यों जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा लोगों ने मुझे उठाना ही बंद कर दिया। हाथी भाई आप दिल छोटा मत कीजिए, ये सोड़ी आपको अभी उठा लेगा। हाँ उठा। ओए पिड़ू तू रोशन सिंह छोटी को चैलेंज ना कर, तू देख मैं हाथी पर आओ कैसे उठाता हूँ। अरे नहीं सोड़ी, अरे ले मजाक मजाक कर रहे हम दोनों। ओ मैं भी तो मजाक कर रहा सी। वाह वाह। ओ हाथी प्रा आपको नहीं उठा सकता। अरे जेठा भाई। अरे जेठा प्रा। अरे गुड मॉर्निंग छोटी, गुड मॉर्निंग भिड़े, गुड मॉर्निंग हाथी भाई, गुड मॉर्निंग। क्या बात है सभी यहाँ हैं, सभी को सुप्रभात 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 सुप्रभात। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। अरे डॉक्टर हाथी गुड मॉर्निंग तो हम रोज बोलते हैं, कभी कभी सुप्रभात भी बोल दिया कीजिए। अच्छा अच्छा तो मेरी तरफ से आप सभी को सुप्रभात। ओ जी मेरी तरफ से भी सारे ने सुप्रदाल। सुप्रभात होता है, सुप्रदाल क्या है सोड़ी? ओहो पिड़ू वो सुप्रभात में से ना वो दाल भात वाला भात निकाल दिया और दाल डाल दिया तो सुप्रदाल। कैसा लगा मेरा जोक सोड़ी? एक शिक्षक होने के नाते तुम्हारी इस जोक की मैं घोर निंदा करता हूँ, भाषा के साथ मजाक कभी नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ भाई सोड़ी मैं तुम्हें बतौर लेखक नहीं बतौर मित्र समझाना चाहता हूँ, कोई मजाक का विषय नहीं है, भाषा के लिए हमारे हृदय में सम्मान होना चाहिए। सही बात है सोड़ी, हर बात में मजाक नहीं होता। ओ सॉरी हाथी ब्रा, ओ सॉरी यारो भाई दिल से सॉरी। ओ जेठा ब्रा ओ तुहानू एक गल पूछनी सी। हां मुझे भी तुमसे कुछ पूछना भाई। हां मुझे भी पूछना है। मुझे भी पूछना है। मैं समझ गया सभी को एक ही बात पूछनी है कि बागा से बात हुई या नहीं हुई। बात हुई? नहीं मेहता साहब मुझे ये बात नहीं पूछनी, मुझे दूसरी बात पूछनी है। ओए पिड़ू ओए मेजॉरिटी विंस, ओ पहले जेठा प्रा हमारे सवाल का जवाब देंगे। ओ भागा से बात हो गई? हो गई हो गई हो गई। क्या हुआ क्या हुआ कल तक? वो दरअसल क्या हुआ, आज 11 बजे वाव रिसोर्ट के मैनेजर मिस्टर सुप्पू गदा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके साथ डील फाइनल करने आ रहे हैं। थैंक यू। चले मेहता साहब। ए, क्या चलो ए, एक मिनट मुझे जो पूछना है वो बाकी है। तुझे क्या पूछना है भाई? चेक के बारे में। कौन सा चेक? अरे भूल गए तुम, कल रात को याद दिलाया था, सुबह भी याद दिलाया। सॉरी मेंटेनेंस का चेक ना। हाँ तो सॉरी वो दरअसल क्या सुबह से वो भागा का कांटेक्ट नहीं हो रहा था, फिर मुश्किल से उसका फोन आया, बात हुई, फिर सब डील की सब बात चली, उसमें सच में मैं जरा भूल गया चेक बनाना। नहीं कोई बात नहीं जेठालाल, मैं समझ सकता हूँ, क्या है बॉडी डील का टेंशन हो जाता है ना। कोई बात नहीं मैं यहाँ पे रुका हूँ, तुम जाके चेक लेके आओ जाओ। अरे भाई शाम को आऊंगा तभी दे दूंगा ना चेक तुझे। अच्छा मतलब तुम शाम को फिर से भूल गए तो तुमको फिर से याद दिलाने का? अरे तुम्हारा असिस्टेंट नहीं हूँ मैं। भिड़े तुम चिंता मत करो मैं हूँ ना, आप देंगे इसका चेक? मैं क्यों दूंगा चेक? मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम चिंता मत करो मैं याद दिला दूंगा। नहीं नहीं याद दिलाने की जरूरत नहीं है मेहता साहब, आज शाम को मैं इसको ऐसा चेक दूंगा ना कि एक साल तक इसका मुंह बंद हो जाएगा। ओ की गल कर रहे हो जेठा ब्रा, और तुसी पीड़ू के मुंह पे ऐसे चेक रख के ऐसे टेप मार के इसकी बोलती बंद कर दोगे? अरे क्या बोल रहे हो तुम सोड़ी, जेठा के कहने का मतलब ये है कि उसकी आज बड़ी डील होने वाली है ना, तो वो एक साथ मुझे एक साल का मेंटेनेंस का चेक दे देगा आज, ताकि मैं अगले एक साल तक उसको चेक के बारे में कुछ बोलूं ही नहीं। सही बात है। ओ अच्छा वैसे ओ मेनू तो टेंशन हो गई थी कि पीड़ू की बोलती बंद हो गई तो वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा कैसे, ओ जी टप्पू सेना को डांटेगा कैसे, ओ जी सोसाइटी की मीटिंग में मैं एकमेव सेक्रेटरी हूँ ये बोलेगा कैसे, और मेन बात तू पप्पू से लड़ेगा कैसे? ओए तू कौन लड़ना चाहता है मुझसे? ये पिड़ू ये भिड़े क्या किया मैंने, और सुन बिना वजह अगर मुझसे लड़ने की कोशिश की ना तो मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा।
अरे ओ छाताधारी भीम, जरा शांत हो जाओ, अभी तुम मुझसे बिना वजह लड़ रहे हो। अरे पोपटलाल, तुमने बात सुनी नहीं और ऐसी चलती गाड़ी में सवार हो गए। अरे भाई सोढ़ी भिड़े से मजाक कर रहा था, तुमसे लड़ने की बात नहीं कर रहा था वो। चले माता सर। हाँ जेठालाल, शाम को बोलना नहीं है क्या ये? अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, दे दूंगा शाम को तुझे चेक दे दूंगा, फिर एक साल तक मेंटेनेंस मांगना मत। नहीं नहीं मांगूंगा भाई। एक मिनट भिड़े, तू जेठालाल से एक साल तक मेंटेनेंस नहीं मांगने वाला है तो फिर मुझसे भी मत मांगना भाई। ठीक है नहीं मांगूंगा पोपटलाल, तुम भी जेठालाल की तरह एक साल का मेंटेनेंस का चेक एडवांस में दे दो। क्या एक साल का मेंटेनेंस का चेक एडवांस में कौन देता है? मैं देता हूँ। क्यों? मेरे पास बहुत पैसा है। बहुत पैसे तो रखो अपने पास भाई, सबके पास इतने पैसे नहीं है। ओए पप्पू, मेरे पास है, मैं दे सकता हूँ। हाँ मैं भी दे सकता हूँ। हाँ वैसे मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं दे सकता। मेरे पास पैसे है लेकिन मैं नहीं दूंगा। और क्यों दू? भिड़ा को एक साल का मेंटेनेंस का चेक एडवांस में दू, उससे अच्छा वो पैसे मैं फिक्स डिपॉजिट में ना रखू। ये भिड़ा मुझे मेंटेनेंस का चेक का इंटरेस्ट देने वाला है? नहीं नहीं वो देता है, मतलब वो इंटरेस्ट नहीं देता है लेकिन वो अलग तरीके से फायदा देता है। वो क्या कहता है कि अगर एक साल का आपने एक साथ मेंटेनेंस का दे दिया ना तो 10% डिस्काउंट देगा वो। ओ जेठालाल आता जान आता है, यहाँ पे भी खड़े खड़े टाइम पास कर रहे हो, वो 50 लाख की डील फाइनल नहीं कर दी तुम्हें? 50 लाख की डील? ओ हाँ पप्पू 50 लाख। ओ जेठाबरा, ओ डील होने की खुशी में पार्टी तो देनी पड़ेगी। हाँ जरूर दूंगा। हाँ लेकिन थोड़े वाली पार्टी नहीं, पार्टी पार्टी वाली पार्टी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, वो तो वैसी पार्टी होनी चाहिए ना। जेठालाल गड़ा यंचा, और हमारी होने वाली पार्टी किस बात पे जेठालाल का विजय ऐसा कर रहे हो? और सोढ़ी भाई कौन सी पार्टी की विजय ऐसा हो रही है? कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है क्या यहाँ पे? और जिस पार्टी के साथ जेठालाल की डील हो रही है ना, वो भी बहुत अच्छी पार्टी है, तो लगे हाथ उनका भी विजय कर लिया। हाँ। जेठा जी आपको इस डील के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। जेठालाल ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चले जेठा। हाँ चलिए चलिए। जेठा जी वो मेरी फ्रेंड आपके शॉप में आने वाली है ना? अरे याद है बबीता जी, बिल्कुल टेंशन मत दीजिए। चले जेठा। हाँ चल। एक फोन स्पीकर पे रखना। क्यों? सॉरी आदत हो गई है वो, तो कंपाउंड में खड़े। हाँ बोल बागा। हाँ सेठ जी आप कहाँ हो? मैं सोसाइटी कंपाउंड में बस दुकान के लिए आ रहा हूँ। सेठ जी वो ऑर्डर में बहुत बड़ा टेंशन हो गया है। कौन से ऑर्डर में क्या टेंशन हो गया है, क्या बोल रहे तू? सेठ जी आप फटाफट गोडाउन में आइए, मैं आपको सब बताता हूँ। अरे क्या हुआ? वो बागा कह रहा है कोई ऑर्डर में कुछ टेंशन हो गया है। किस ऑर्डर में? वही तो नहीं बताया, कह रहा है कि आप गोडाउन आओ फिर बताता हूँ। तो फिर से फोन लगाओ। जेठालाल जैसे ट्रेन में सफर करते हुए थोड़ी थोड़ी देर बाद स्टेशन आते हैं ना, वैसे ही तुम्हारी लाइफ में थोड़ी थोड़ी देर बाद टेंशन आते रहते हैं। हाँ बोलिए सेठ जी। अरे बागा तू पूरी बात बताए बिना फोन क्यों काट देता है भाई? तू मुझे बता कौन से ऑर्डर में क्या टेंशन हो गया है। सेठ जी मैं आपको फोन पे नहीं बता सकता, मैंने कहा ना आप फटाफट गोडाउन आइए, मैं आपको सब बताता हूँ। अरे बागा, अरे फिर से फोन काट दिया इसने। ए बागा भी ना कल से एकदम सबसेंस कुमार हो गया है, पूरी बात बताता ही नहीं है।
अब क्या हुआ जेठालाल? अरे वही, मैं फोन पे नहीं बता सकता, आप गोडाउन पे आ जाओ फिर बताता हूँ। कौन से ऑर्डर में क्या टेंशन हो गया है? ऑर्डर में टेंशन मतलब ऑर्डर कैंसल? ए पोपटलाल, नहीं हुआ होगा, मतलब कुछ और कैंसल हुआ होगा। कैंसल करायचंय काही तरी। मैं तसा सॉरी, लेकिन अभी ऑफिस जाने से पहले एक 10-15 मिनट के लिए आप मेरे साथ गोडाउन आएंगे प्लीज? ठीक है। अरे थैंक यू। ओ जेठापुरा मेहता साहब, ओ मेरी गड्डी में चलते हैं, फटाफट पहुंच जाएंगे। चल 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 चल। हां ओके 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 ओके। बबीता जी टेंशन मत लीजिए आप। क्या लगता है बेड़े, ये जेठालाल के ऑर्डर का क्या टेंशन हुआ होगा? माना क्या, मैं पोपटलाल, में ज्योतिषी थोड़ी हूँ। अगर थोड़ी देर बाद जेठालाल का फोन नहीं आता है तो ऑर्डर कैंसिल। अरे हम सामने से फोन करके पूछेंगे उसे कि भाई क्या हुआ, टेंशन दूर हुआ कि नहीं। असर हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जेठा भाई का टेंशन दूर हो जाए और ऑर्डर उन्हीं को मिले। फिंगर्स क्रॉस्ड। हां I really hope जिठा जी को अपने ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, जय डलाल का ये डील सक्सेसफुल हो जाए। मुझे तो ये टेंशन हो रहा है कि जेठालाल को जल्दी गोडाउन पहुंचाने के चक्कर में पता नहीं छोड़ी किस स्पीड से गाड़ी चला रहा होगा। हाँ जूली, जरा बॉस को बोल देना कि मैं पहुंचा हूँ, ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, 10-15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। हाँ जरा सा लेट होगा बस। हाँ हाँ। अरे नहीं भाई, बहाने नहीं बना रहा हूँ, जल्दी पहुंचता हूँ ना। मेहता साहब समझ में नहीं आ रहा, कल से बागा को हो क्या गया? कल रात को भी उसने फोन पे आधी बात बताई, फोन कट कर दिया। आज भी सुबह सेम टू सेम किया, अभी आधी बात बताई, फोन कट कर दिया। अरे भाई शांत हो जाओ, अभी जा रहे ना गोडाउन, बात पता चल जाएगी। अरे लेकिन फोन पे पूरी बात बताने में उसका जाता क्या है? तो मुझे क्या पता है, तुम मुझे ऐसे पूछ रहे हो भाई। जा रहे ना गोडाउन, उससे पूछ लेना की बात क्या है। तू जल्दी फास्ट चला भाई, छोटी फास्ट चला। नहीं 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 छोड़ी, तू स्लो चला भाई। स्लो क्या, फास्ट चला? अरे नहीं स्लो चला भाई यार, आराम से। ओए एक मिनट यार, और जेठापुरा बोले फास्ट चलाओ, तू सी कह रहे हो स्लो चलाओ, तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, फास्ट चलाओ कि स्लो। मैं काम कर, तू मीडियम चला, लेकिन फास्ट वाला मीडियम चला। और जेठापुरा ये फास्ट वाला मीडियम क्या होता है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई। अच्छा तुझे जैसे चलाना है चला, लेकिन चला भाई गाड़ी को। एक मिनट, जैसे चलाने का क्या मतलब भाई? छोड़ी तुम गाड़ी ऐसे चलाओगे जिससे कानून भी नहीं टूटे और किसी की टांग भी नहीं टूटे। अरे टांग क्यों टूटेगी किसी की? अरे फास्ट चलाएगा, अपने स्पीड से चलाता हूँ। हाँ तो चला, जल्दी पहुंचाता हूँ। चला रहे हैं, अच्छा आप क्यों उसको कंफ्यूज कर रहे हैं? कंफ्यूज मैं कर रहा हूँ, फास्ट वाला मीडियम। मगन सेठ जी अभी मिसाइल की तरह मार मार आएंगे, तू जल्दी जा और उनके लिए गर्मा गर्म रजवाड़ी चाय बोल के आ। जी बाबा। आजू आ। अरे वाह सेठ जी, आप आ गए। क्या लगता है? आ गए। हाँ तो अभी बता क्या। अरे क्या क्या? तूने मुझे फोन पे बोला ना कि फोन पे नहीं बता सकता हूँ, आप गोडाउन आ जाए फिर बताता हूँ। अच्छा वो। हाँ बताता हूँ बताता हूँ, आप लोग बैठिए ना, मैं अभी कुर्सी लेके आता हूँ। अरे भाई बाघा बैठने का टाइम नहीं है, वो तुम्हारा ऐसा फोन आया इसलिए जेठालाल के साथ में यहाँ चला आया, मुझे ऑफिस भी जाना है, अब जल्दी बताओ बात क्या है भाई। ओ बाघा मैंने भी गैराज पहुंचना है, वो तो तेरा टेंशन वाला फोन आया तो मैंने सोचा कि जेठापुरा को फटाफट यहाँ गोडाउन छोड़ दूं। चल बता बता क्या टेंशन है। बता। आप लोग एक साथ मत बोलिए, मुझे टेंशन हो रहा है। चल बता। हाँ चल बता। चल बता। ले अलग अलग पूछ लिया, ये ठीक है। बता। बताता हूँ। ओए कितने जा रहे हैं? स्पेशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग। चल बता अभी। सच कहूँ? तू झूठ क्यों बोलेगा भाई? नहीं दरअसल कोई टेंशन है ही नहीं। मतलब कोई टेंशन है ही नहीं। अरे एक मिनट, वो 50 लाख की हमारी जो वाव रिजॉर्ट वाली डील है उसमें वो तो कंफर्म ही है, उसका कोई टेंशन है ही नहीं। आश्चर्य। अरे तो कौन से ऑर्डर में क्या टेंशन है? कोई ऑर्डर में कोई टेंशन है ही नहीं। फोन पे ऐसा क्यों बोला कि ऑर्डर में बहुत बड़ा टेंशन है?
वो एक मिनट, क्या मैसेज किया तूने? पढ़िए ना। वो मैंने झूठ बोला था। झूठ झूठ झूठ। हाँ यार बागा, तू क्या समझता क्या है अपने आप को? ये कोई तरीका है मजाक करने का? तुम्हारे इस मजाक के चक्कर में जेठालाल ने कहा भाई आप मेरे साथ चलो, मैंने बहाना बना के ऑफिस से छुट्टी ली। अब वो मेरा बहाना तो फालतू हो गया ना। अगली बार जब जेठालाल को प्रॉब्लम होगी और मैं फिर से छुट्टी लूंगा, फिर से कोई नया बहाना बनाऊंगा, तो ऑफिस में रजिस्टर में मेरे नाम के कितने बहाने चढ़ जाएंगे? ओए बागा, वो तेनू पता है आज मेनू गैराज में कितना अर्जेंट काम है? वो तेरा फोन आया तो मैं सारे अर्जेंट काम छोड़ के वो ये जेठा प्रानू ते गुडाउन छोड़ने आया ताकि वो फटाफट यहाँ पहुंच जाए। सॉरी सोडी भाई, लेकिन आपको अगर गैरेज अर्जेंट पहुंचना था तो फिर आप गोडाउन के अंदर क्यों आए? बाहर ही सेठ जी को छोड़ के वहीं से निकल लेते तो अब तक तो आप गैरेज पहुंच भी गए होते। जेठा ब्रा, वो केहो जी गल कर रहे हैं? वो मैं इन्हें नौकरी से निकाल दूंगा। मतलब कि अगर मेरे गैराज का किसी बंदे ने ऐसे झूठ बोला होता या ऐसी बात की होती ना, तो मैं उसे नौकरी से निकाल देता। नहीं नहीं बराबर है बागा, ये क्या तरीका है बात करने का? बेचारे छोटी भाई अपना काम छोड़ के मेरी मदद कर रहे और तुम तो ये बोल रहे कि बाहर से निकल लेते, ये तरीका बात करने का? रो क्या रहा है? रो नहीं तो क्या करूं सेठ जी, मैंने जो भी किया है आपके भले के लिए किया है। मेरे भले के लिए? हाँ। कैसे? पता है ना, कल वो गोयल साहब के साथ मीटिंग थी तो हम दोनों बिना चाबी के गोडाउन पहुंच गए। हाँ। फिर कितना प्रॉब्लम हुआ था, कितनी भागम भाग हुई थी, तो मैंने सोचा आज इतनी बड़ी डील है, वाव रिसोर्ट के मैनेजर मिस्टर सुब्बू खुद आपसे यहाँ मिलने आ रहे हैं, तो आप उनसे पहले गोडाउन आ जाओ ताकि अगर चाबी भूलने जैसी बिन बुलाई दूसरी कोई समस्या आ जाए तो उसका हल ढूंढने के लिए हमारे पास वक्त हो। अरे बागा, चाबी जैसी समस्या रोज रोज नहीं होती भाई, एकाध बार कभी कभार हो जाती है। हाँ, और वैसे भी जेठालाल दुकान पे आने के लिए बिल्कुल वक्त पे निकला था, और आज क्या रोजाना ही वक्त पे निकलता है। मैं भी उस वक्त ऑफिस के लिए निकलता हूँ, हम लोग साथ ही निकलते हैं कंपाउंड से। हाँ बराबर है मेहता साहब, सेठ जी अपने घर से टाइम पे तो निकलते हैं लेकिन गोडाउन टाइम पे पहुंचते नहीं, और उसका सबसे बड़ा कारण है आप। मैं कई बार सेठ जी को फोन करके पूछता हूँ कि सेठ जी आप कहाँ पहुंचे, तो सेठ जी अक्सर यही कहते हैं बागा मैं रास्ते में हूँ, मेहता साहब के साथ हूँ, मस्त गर्मा गर्म चाय पी के आ रहा हूँ। कभी चाय पी के आ रहा हूँ, कभी फाफड़ा जलेबी खा के आता हूँ, कभी समोसे खा के आता हूँ, कभी कचौड़ी खा के आता हूँ। मतलब मेरी चाय समोसे कचौड़ी तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं? बर्दाश्त नहीं हो रहे तुमसे, क्या चाहते हो तुम? नहीं पीऊँ चाय, नहीं खाऊं ये कचौरी समोसे, और ये घास फूस खाता रहूं, और सारी उम्र करेले करेले खाता रहूं मैं? नहीं नहीं, शौक से खाइए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि इस वजह से सेठ जी को गोडाउन आते आते लेट हो जाता है। आज इतनी बड़ी मीटिंग है और सेठ जी को लेट ना हो इसलिए मैंने झूठ बोला, और देखिए मेरे झूठ की वजह से आप सेठ जी के साथ में हो फिर भी सेठ जी गोडाउन टाइम पे पहुंच गए। जेठालाल मैं चलता हूँ। अरे अरे एक मिनट साहब, नाराज मत होइए। नहीं मैं मानता हूँ कि बागा का तरीका गलत था, लेकिन उसका
इरादा अच्छा था। दादा। तो प्लीज नाराजगी छोड़िए और खुशी खुशी ऑफिस जाइए। मैं खुशी खुशी जा रहा हूँ जेठालाल। आप चेहरे पे खुशी नजर नहीं आ रही है। तो मैं क्या करूँ? आप कुछ मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। मस्त गर्मा गर्म चाय नाश्ता मंगाता हूँ। बघा। हाँ सेठ जी, मैं अभी जाके गर्मा गर्म रजवाड़ी चाय और मस्त नाश्ता लेके आता हूँ। सोढ़ी भाई, आपको गैरेज अर्जेंट पहुँचना है, फिर भी आप चाय नाश्ता करके ही जाएंगे ना? अरे पूछ क्या रहा है भाई, वो तो करके ही जाएंगे ना, करके जाएंगे। जा जा लेके 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 जा जा जी जी सेठ, जा जल्दी जा। आइए बाबू के लेके। कहाँ से लाता है बागा? तू ये बड़ा कमाल का है, बहुत टेस्टी। तू बड़ा सो भाई, तू भी खाया? नहीं मेहता साहब, वो आप लोग के आने से पहले ही मैंने और मगन ने चाय नाश्ता किया। थोड़ा खाना मजा आएगा। थैंक यू सेठ जी, भूख नहीं है वरना तो मैं। पोपटलाल का फोन। बोलो बोलो पोपटलाल। अरे जेठालाल, तुम सोसाइटी से टेंशन में जिस तरह से निकले, तुम्हें टेंशन में देख के मुझे टेंशन हो गया। जल्दी बताओ ये बागा का वो ऑर्डर का टेंशन का क्या फोन आया था? तो टेंशन खत्म हुआ कि नहीं? और अगर नहीं हुआ है तो चिंता मत करो, गीता में लिखा है कि हमें चिंता किए बिना अपना कर्म करते रहना है। और अगर टेंशन खत्म हो गया है तो फिर टेंशन वाली कोई बात ही नहीं। हेलो जेठालाल। हाँ सुन रहा हूँ, बोलो बोलो पोपटलाल। अरे मैं तो बोल चुका हूँ, तुम बोलो। मैं क्या बोलूँ? टेंशन क्या है? कोई टेंशन नहीं है। तो फिर बागा ने तुम्हें फोन क्यों किया कि ऑर्डर को लेके टेंशन है? अच्छा वो, हाँ नहीं नहीं वो क्या हुआ दरअसल के, अच्छा अच्छा मतलब बागा ने बेवजह तुम्हारी दुनिया हिला दी। हाँ हाँ। ये जान के मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तुम टेंशन मुक्त हो गए हो। बिल्कुल बिल्कुल, कोई टेंशन नहीं है। और थैंक यू पोपटलाल। अरे थैंक यू क्यों भाई, अपना टेंशन भूल के मेरे टेंशन का टेंशन लेने के लिए। मेरा टेंशन? अरे मुझे कोई टेंशन नहीं है। अच्छा तो मतलब अभी तुमने फाइनली निर्णय ले लिया कि शादी करना कैंसल? ओ भाई, ओ जेठालाल क्या बोल रहे हो, शादी ना करने का निर्णय मैं मरते दम तक नहीं लूंगा। शादी तो मैं करके ही रहूंगा। नहीं नहीं, करनी ही चाहिए भाई, शादी करना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। चलो मिलते हैं शाम को सोडा शॉप पे। ठीक। अरे जेठालाल जेठालाल, अभी तुम्हारी वो 50 लाख की डील का कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारी पार्टी पक्की? हाँ पक्की पक्की, पार्टी पक्की, भूलना मत। अरे पोपटलाल, पार्टी देना कोई भूलता है भला? ठीक है ठीक है, ओके चलो। ओ जेठा भा, अगर तुसी भूल भी गए ना तो मैं याद दिला दूंगा। अरे पर मैं क्यों भूलूंगा छोटी? पर जेठा भा, ये बात मानने वाली है, पप्पू को थोड़ी चिंता हो रही थी। अरे नहीं भाई सोढ़ी, पोपटलाल को जेठालाल की चिंता नहीं हो रही थी, उसे ये चिंता हो रही थी कि इस टेंशन में कोई पार्टी कैंसिल ना हो जाए। नहीं नहीं मेहता साहब, उसको वाकई में चिंता हो रही थी। अरे जेठालाल क्या ऐसी बात नहीं है, फोन में पूरी बात करने के बाद आखिर में क्या पूछा, पार्टी के बारे में पूछा ना है? हाँ, बबीता जी का फोन। बोलिए बोलिए बबीता जी। जेठालाल मैं बबीता नहीं अय्यर बोल रहा हूँ। क्यों? मतलब बबीता जी का फोन से आप क्यों बोल रहे हैं, मतलब कैसे बोल रहे हैं? मुँह से। अरे मेरा मतलब है आपके फोन का क्या हुआ? जेठालाल मेरे फोन का बैटरी बहुत डाउन हो गया है, इसलिए मैं बबीता का फोन लेकर आया हूँ। आप भी कमाल करते हैं अय्यर भाई, आपके फोन की बैटरी डाउन हो गई तो चार्जर लेके ऑफिस जाना चाहिए ना, अब बबीता जी का फोन लेके ऑफिस चले गए। अरे पर जेठालाल वो मेरा चार्जर मिल नहीं रहा था और अभी मैं घर पर नहीं हूँ। तो किधर है? अरे जेठालाल तुम बहुत अब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम गोडाउन पहुँच गया ना? हाँ कब का? तो फिर वो मालूम पड़ा क्या टेंशन है? कौन सा टेंशन? अरे बागा ने फोन कर बोला था ना तुमको कि टेंशन है। अरे हाँ नहीं नहीं वो तो फेक कॉल था। फेक कॉल? मतलब बागा ने तुमको फोन नहीं किया था, बागा के नाम से किसी और ने तुमको फोन किया था? नहीं नहीं फोन बागा ने किया था, लेकिन कोई टेंशन नहीं था, बागा ऐसा ही मेरे साथ मजाक कर रहा था। मजाक? हाँ क्या? नहीं नहीं मतलब तुमको कोई टेंशन है ही नहीं? नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं। वो क्या है जेठालाल, मैंने तुमको फोन इसलिए किया था कि कोई टेंशन नहीं है ना, सब ठीक है ना?
नहीं नहीं बिल्कुल कोई कोई टेंशन नहीं है और थैंक यू अय्यर भाई फोन करने के लिए। ओके ओके बोलो अय्यर भाई को भी टेंशन हो रहा था। जेठालाल यही तो हमारे गोकुलधाम की खासियत है, सुख हो दुख हो सब एक साथ खड़े रहते हैं। बोलो आदिब्रा। हेलो सॉरी, मैं कब से जेठा भाई को फोन लगा रहा हूँ पर उनका फोन बिजी आ रहा है। अरे वो एक्चुअली अय्यर प्रा से बात कर रहे थे। अच्छा तो तुम जेठा भाई के साथ ही हो? हाँ बात करोगे? हाँ हाँ दो। लो जेठा प्रा, आदिब्रा बात करना चाहते। मुझे लगता है टेंशन के बारे में ही जानना होगा। थैंक यू आदिब्रा भाई फोन करने के लिए। लेकिन कोई टेंशन नहीं है, वो बगा ने मेरे साथ एक छोटा सा मजाक किया था। थैंक गॉड, मुझे जब से हंस से पता चला टेंशन हो रहा था। कौन कोमल भाभी? हाँ। अरे तो कोमल भाभी है छोटी, तो क्या बोल रहे हाथी भाई है? नहीं नहीं तो मेरे साथ तो हाथी भाई ने बात की थी। हेलो। हाँ जेठा भाई। लो सुनो, फोन स्पीकर पे है क्या? स्पीकर पे ही तो है, तुसी ने तो रखा था। अरे तो दो मिनट शांति रख छोटी, मैं आतिफ भाई से पूछ रहा हूँ। आतिफ भाई आपका फोन स्पीकर पे है क्या? हाँ फोन स्पीकर पर है और हम दोनों साथ में हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जेठा भाई आपको कोई टेंशन नहीं है ये जान के बहुत खुशी हुई। थैंक यू। और जेठा भाई मुझे हंस से पता चला कि आपको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, सुन के बहुत खुशी हुई। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस जेठा भाई। थैंक यू कमल बाबू। थैंक यू आतिफ भाई। थैंक यू। वेलकम। जेठा भाई कोई टेंशन नहीं है मतलब हमारी पार्टी कंफर्म है। तो बताइए कब दे रहे पार्टी? क्या कर रहे आतिफ भाई, कमल बाबू के सामने पार्टी का पूछ रहे? हेलो जेठा भाई जल्दी बताइए, कोमल किचन में गई है, वो आए उससे पहले बताइए पार्टी कंफर्म है ना? अच्छा कोमल बाबू किचन में गए हैं? हाँ सीधी सी बात है, कोमल अगर सामने रहेगी तो मैं पार्टी की बात क्यों करूंगा। जल्दी से बताइए कब और कहाँ है पार्टी? आतिफ भाई आज जब ये मेरी मीटिंग हो जाने दीजिए, फिर हम सब मिलके तय करते हैं ना कहाँ कब कैसे करनी है पार्टी। ठीक है जेठा भाई। ओके आतिफ भाई ओके। ले भाई कमाल है, सबको मेरी कितनी चिंता है, एक भीड़े को छोड़ के सबके फोन आ गए। भीड़े भी तुम्हें फोन करता अगर तुमने मेंटेनेंस का चेक टाइम पे दे दिया होता। भीड़े का फोन? हाँ आ गया ना फोन, ये मेंटेनेंस चेक के लिए फोन होगा, देख लेना। उसको भी शांति, उसको बोला मैंने शाम को तुझे चेक मिल जाएगा, फिर भी ये। अरे भीड़े। हाँ जेठालाल। अरे भाई गोडाउन पहुंच गया ना ठीक से? पहुंच गया भाई पहुंच गया। तो बागा ने जो फोन किया था टेंशन हो गया, क्या टेंशन हुआ था? ये तो टेंशन का पूछ रहा है, टेंशन के लिए फोन किया है इसने। अच्छा गुड फॉर यू। मतलब बात करो। हेलो जेठालाल। हेलो। हाँ हेलो भिड़े। हाँ कोई टेंशन नहीं है दोस्त। ओके आज मेरी एक बहुत बड़ी मीटिंग है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी गोडाउन पहुंच जाऊँ, इसलिए बागा ने हो क्या झूठ मूठ का टेंशन का बहाना बना के मुझे जल्दी बुला लिया इधर। अच्छा बागा ने झूठा फोन किया था? हाँ वो कल वो चाबी की गड़बड़ हो गई थी ना, तो उसको लगा कि आज अगर कोई ऐसी गड़बड़ हो तो क्या मैं थोड़ा जल्दी अगर यहाँ आ जाऊँ तो हमारे पास थोड़ा समय रहे ना वो गड़बड़ को ठीक करने के लिए। अरे देवा जेठालाल तुम्हारा भाग्य भी कमाल का है, अभी उस पर दुखी होना चाहिए कि खुश होना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा जेठालाल तुम टेंशन फ्री हो गए ना ये जानकर बहुत खुशी हुई, अभी मस्त बे की मीटिंग करना, मीटिंग के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा। थैंक यू। अच्छा वो डील पक्की होने के बाद तुम्हें याद है ना एक साल का मेंटेनेंस का चेक एडवांस भेज देना है। भिड़े मेंटेनेंस के चेक के बारे में पूछ रहा है ना। हेलो फोन रख दिया क्या? चालू है बंद है क्या है? हेलो। अरे नहीं भाई फोन चालू है भाई, और तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तुझे शाम को एक साल का मेंटेनेंस का चेक मिल जाएगा। ठीक है थैंक यू। और दूसरा प्रॉमिस याद है ना? मैंने कौन सा दूसरा प्रॉमिस किया था? चल पार्टी शर्टी। वो बोल नहीं रहा। बोलेगा। हाँ भिड़े। अरे कौन सा दूसरा प्रॉमिस?
कमाल है जेठालाल, प्रॉमिस तुम करते हो और तुम ही भूल जाते हो। मैं क्यों याद रखूं, तुम्हें याद होना चाहिए ना दूसरा प्रॉमिस किया है वो। हाथी पपी है क्या आजू बाजू? हाँ भाई मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूँ। पार्टी मिलेगी, जरूर मिलेगी, बराबर मिलेगी। वाह 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 वाह, बड़े खुश हुआ। चलो बाय बाय। ओके ओके बाय ओके। कौन सा दूसरा प्रॉमिस किया? वही पहला प्रॉमिस किया ना उसने कि जैसे डील फाइनल होती है वो पूरे साल का मेंटेनेंस का चेक एडवांस में दे देगा। नहीं नहीं, वो पहला प्रॉमिस हुआ ना, दूसरा प्रॉमिस कौन सा किया सर? दूसरा प्रॉमिस यही कि वो जो पहला प्रॉमिस किया है उसको वो निभाएगा। देखा मेहता साहब, गोकुलधाम वालों को पता है कि जेठाभरा टेंशन में है तो सबके फोन आ रहे हैं। यही तो बात है सोड़ी, मैं थोड़ी देर पहले नहीं कह रहा था, और गोकुलधाम है ही अलग। माना कि हम सब लोगों के बीच में मीठी नोकझोंक होती रहती है, लेकिन यदि किसी के जीवन में भी कोई मुसीबत आ जाए फिर कोई नोकझोंक नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सब साथ साथ। करेक्ट है जी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब, मुझे सच कहूं तो बहुत गर्व हो रहा है हमारे गोकुलधाम वासियों पे। देखिए ना, जिन जिन को पता है वो बागा ने टेंशन वाला फोन किया था, सबका फोन आ गया उस सिवाय एक के। किसके? बबीता जी के। अरे हाँ, उनको तो बेचारे को पता ही नहीं है कि यहाँ अभी कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो अभी तक मेरी चिंता कर रहे होंगे। मैं उनको जरा फोन कर लेता हूँ। बबीता जी का फोन तो अय्यर भाई लेके गए और अय्यर भाई का फोन घर पे। बबीता जी बहुत होशियार है, उन्होंने अय्यर भाई का फोन चार्जिंग में रख दिया होगा, तो अब तक तो अय्यर भाई का फोन चालू हो गया होगा। अय्यर भाई के फोन पे फोन करता हूँ। जय दलाल का फोन। हाँ बोलो जय दलाल। अय्यर भाई आप? हाँ मैं। पर आपने फोन कैसे उठाया? अरे मेरा फोन है तो मैं ही उठाएगा ना। नहीं लेकिन आपने तो बोला था ना कि आप अपना फोन घर पर छोड़ के गए। हाँ इस वक्त मैं घर पर ही हूँ। लेकिन थोड़ी देर पहले तो आप घर पे नहीं थे। हाँ मैं सोसाइटी के गार्डन में था। तो आज आप ऑफिस नहीं गए? इले इले, आज मेरा वर्क फ्रॉम होम है। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है तो आप घर पे ही है ना, तो जरा बबीता जी को फोन दीजिए ना। क्यों? मैं उनको बता दूं क्या, वो भी वो टेंशन कर रहे होंगे ना, बागा का टेंशन वाला फोन आया था, तो मैं उनको जरा बोल दूं कि अभी कोई टेंशन नहीं है, तो अभी आप चिंता मत कीजिए। ठीक है मैं बबीता को बोल देगा। अच्छा आप बताएंगे? हाँ मैं बता दूंगा, तुमको बताना है? नहीं वो आप बताए मैं बताऊं, बात तो एक ही है। क्या? हाँ नहीं ठीक है, आप बता देना अभी, वो चिंता ना करे, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। हाँ मैं बता दूंगा, भूलना नहीं है। अरे नहीं भूलेगा, मैं बता देगा। ओके ओके यार भाई, ओके बाय। चलो बबीता जी को भी पता चल जाएगा अभी कि यहाँ कोई टेंशन नहीं है। नहीं चलो अच्छा चलो हम चले। अरे बैठा जाओ बैठो ना। नहीं भाई जेठालाल ऑफिस जाना है, वैसे भी देर हो गई है, अब यहाँ कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है तो मैं चलता हूँ। और जेठाभरा ओ मैंने भी गराज अर्जेंट काम है। ठीक है चलो ओके। चंगा जेठाभरा, असीं वाहेगुरु जी से अरदास करेंगे कि तुहाडी डील हो जाए और तुहाडी किस्मत तुहाडे नाल कोई खेल ना खेले। अरे शुभ शुभ बोल भाई छोटी। शुभ शुभ ही तो बोल रहा हूँ कि कोई खेल ना खेले, ऐसा थोड़ी ना कहा कि कोई खेल खेले। सॉरी सॉरी सॉरी। चलो भाई छोड़ी चलते हैं। और हाँ जेठाल, जैसे ही डील हो जाए ये खुशखबरी देने के लिए फोन करना भूलना मत। नहीं नहीं पक्का पक्का करूंगा। ठीक चल भाई। ओके 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 बागा। सॉरी हाँ सेठ जी, मेरी वजह से आपको और पूरे गोकुलधाम वासियों को इतना टेंशन हुआ, परेशानी हुई। अरे छोड़ना भाई, जो हो गया वो हो गया, वो सब छोड़। तू एक काम कर, तू वाव रिजॉर्ट में फोन करके पूछ कि वो सुबह भाई 11 बजे मीटिंग के लिए आ रहे हैं ना कंफर्म। फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, आज सुबह ही उनका मेल आया, 11 बजे शार्प यहाँ पहुँच जाएंगे। चलो सरस। लेकिन सेठ जी एक बात मेरी समझ में नहीं आई, इतने दिनों से हमारी वाव रिसोर्ट वालों के साथ फोन पे ईमेल पे डील चल रही है, सब कुछ लगभग फाइनल ही है, फिर भी ये सुब्बू जी हमें यहाँ मिलने क्यों आ रहे हैं? इतनी बड़ी कंपनी के इतने बड़े मैनेजर हमें उनकी ऑफिस बुला सकते थे। नहीं
लगा सकते थे, लेकिन हो सकता है उनको हमारा गोडाउन देखना हो, फाइनल भावताल करना हो। फाइनल भावताल? अरे सेठ जी, हमने उन्हें कम से कम रेट दिए हैं, अभी और भावताल करेंगे तो गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स को तो कुछ कमाने ही नहीं मिलेगा। देख बगा, कोई भी व्यापारी ये सिखाएगा नहीं, लेकिन तू घर का, इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूँ। ये डील में अगर हमें कुछ कमाने को नहीं मिला, कोई बात नहीं, क्या एक बार ये डील करेंगे ना, तो ये वाव रिजॉर्ट जैसी बड़ी कंपनी के साथ हमारा रिलेशन बनेगा। और मुझे पूरा यकीन है, एक बार हमारा काम वो लोग देखेंगे ना, तो बाकी सारे ऑर्डर हमको ही देंगे, उसमें हम लोग कमा लेंगे। हेलो, बोल रहा हूँ, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सर, ओके ओके। बका वो सुबू भाई का फोन था, वो कह रहे कि अभी मीटिंग के लिए गोडाउन में नहीं आ रहे, यहाँ पास में वो नंदनवन किचन रेस्टोरेंट है ना। हाँ पता है। हाँ तो बोलते हम लोग वहाँ मिलते हैं मीटिंग के लिए। ओके, आई डोंट माइंड। हैं? नहीं, जाते हैं। हाँ, चल सिट जी, एक दो मिनट, मैं जरा ये क्लीन कर लूँ। अरे वो मगन को बोलना, वो सब साफ कर देगा भाई, तू एक काम कर। हाँ, वाव रिजॉर्ट की फाइल ले ले। जी सेठ जी, ये क्या यहाँ रेडी पड़ी है? अरे वाह, चलो चलो। बैठिए। थैंक यू भाई। सेठ जी, आपको मिस्टर सुब्बू के लिए जो भी मंगाना है बिंदास मंगाना, यहाँ के मैनेजर से मेरी अच्छी जान पहचान है, बिल में कम से कम 5% डिस्काउंट हो जाएगा। अरे बागा, हम लोग इधर 50 लाख की डील करने आए हैं, तू कहाँ खाने पीने के 500,000 में 5% बचाने की बात कर रहा है। सॉरी। ए सुबू भाई का फोन। बोलिए सुबू भाई। मिस्टर जेठालाल, मैं रेस्टोरेंट आ गया हूँ, आप कहाँ हैं? सुबू भाई, जेठालाल। मिस्टर जेठालाल, आई आई आई। हेलो हेलो सुबू जी, बैठिए बैठिए। ये है हमारे सेठ जी, जेठालाल चंपकलाल गड्डा, गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक, और मैं बागेश्वर, गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर 1 ऑथोराइज्ड एम्प्लॉई। अब तक तो हमारी फोन से और मैसेज से ही बात होती रहती थी। सेठ जी, ईमेल से भी। आज पहली बार रूबरू मुलाकात हो रही है। थैंक यू सबू भाई, हमसे मिलने के लिए आप यहाँ तक आए। नहीं, मिलना तो था ही, लेकिन डील फाइनल करने से पहले एक बार तो मिलना जरूरी है ना। डील फाइनल नहीं है? नहीं, मेल में तो नहीं, मोटा मोटी डील फाइनल है, लेकिन छोटी मोटी चीजें जो है वो एक बार क्लियर हो जाए, एक दो फैसले जो हम दोनों को साथ में मिलके लेने हैं वो ले ले, तो डील फाइनल। सुबू भाई, आपका फैसला हमारा फैसला है। देखिए हमारा तो ऐसा है कि ये डील करके हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जो व्यवहारिक रिश्ता है ना, वो घरेलू हो जाए। एक बात बताऊं सुब्बू जी? हाँ हाँ बताइए। माफ करना अगर आपको छोटा मुंह बड़ी बात लगे तो, लेकिन क्या है, आप जैसे बड़े क्लाइंट हमारे साथ एक बार डील करते हैं ना, तो उन्हें हमारा व्यवहार इतना अच्छा लगता है कि वो हमें अपने परिवार का सदस्य मान लेते हैं। जी जी जी, वाह वाह बागा वाह। हमारे लिए क्या है सबू भाई, के रिश्ता पहले पैसे बाद में। वाह वाह, आप दोनों की बातें सुन के लगता है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। अरे निराश क्या सबू भाई, हम आपको खुश कर देंगे। बस बस, बिजनेस तो होता रहेगा, लेकिन बिजनेस इस तरह से होना चाहिए कि सबका फायदा हो। अभी तो सबका फायदा होगा सुबू भाई, क्योंकि अभी मार्केट में भी धीरे धीरे तेजी आ रही है ना। सर, ऑर्डर प्लेस करना चाहिए? जरूर, एक मिनट बताइए सुबू भाई, आप क्या लेंगे? सुबू जी, मैंने सुना है यहाँ पे कोल्ड कॉफी एकदम बेस्ट मिलती है। ठीक है, कोल्ड कॉफी मंगवा लेते। अरे वाह, चलो तो कॉफी नकी देगी। खाएंगे क्या? नहीं नहीं जेठालाल जी, खाना रहने दीजिए, मैं सिर्फ कॉफी पीऊंगा, मुझे आगे अभी आर्किटेक्ट से मीटिंग करनी है।
ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, कोई कोई जबरदस्ती नहीं। हाँ तो भाई तीन रजवाड़ी तीन बढ़िया कोल्ड कॉफी लेके आ। जी थैंक यू। हम सीधे काम की बात करें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेठ जी, फाइल। हाँ नहीं नहीं फाइल की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधे पॉइंट पे आते हैं। ओके। देखिए कंपनी का मैं पुराना मैनेजर हूँ और सारी डील मेरे जरिए ही होती है, तो अब आपके गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की डील भी हमारे वाव रिजॉर्ट के साथ हो सकती है? हो सकती है। हाँ होगी, लेकिन सिर्फ कहने से नहीं होगी। नहीं नहीं तो बराबर है, सिर्फ कहने से तो नहीं होगी, वो सही सिक्का तो करना ही पड़ेगा। देखिए मैं आपको इतना बड़ा ऑर्डर दे रहा हूँ तो थैंक यू। थैंक यू तो ठीक है, लेकिन देखिए मार्केट में इतने सारे डीलर्स हैं, उन सब में से मैंने सिर्फ आपको चूज किया, इसीलिए थैंक यू। हाँ थैंक यू तो ठीक है, लेकिन आपकी इतनी बड़ी डील हो रही है तो कितना बड़ा फायदा होगा आपका? हाँ मतलब फायदा तो हो गए। तो हमारा फायदा भी तो होना चाहिए ना। अरे आपका फायदा तो हो चुका है सुबू भाई, अभी देखिए आपने ही बोला कि इतने सारे डीलर में से आपने हमको पसंद किया। क्यों? क्योंकि मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि हमने जो आपको रेट दिया है ना, वैसा रेट तो पूरी मार्केट में कोई व्यापारी आपको दे ही नहीं सकता। तो सोचिए मैंने जो आपको रेट दिया है उसकी वजह से इतनी बड़ी डील में आपका कितना बड़ा फायदा हुआ। देखिए जेठालाल जी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ नहीं पा रहे, या तो आप समझना नहीं चाहते। नहीं सच में मेरी समझ में नहीं आ रहे आप क्या कह रहे हैं। मतलब ये कि अब मैं घुमा फिरा के नहीं सीधी बात करता हूँ, आपका जो भी बिल होगा उसका 10% अगर आप मुझे देंगे तो मैं ये डील आज यहीं पे फाइनल कर देता हूँ। अच्छा मतलब ये डील फाइनल करने के लिए मुझे आपको 10% कमीशन देना पड़ेगा? करेक्ट। और आप चिंता मत कीजिए, आपका जो भी बिल होगा उसका 15% एक्स्ट्रा प्राइस मैं फाइनल करवा देता हूं, आप उसमें से मुझे बस 10% दे देना। अरे वाह सेठ जी, इसका मतलब हमें एक्स्ट्रा 5% का फायदा होगा। ऑफ कोर्स। तो जेठालाल जी मैं ये डील फाइनल समझूं? नहीं। What? नहीं नहीं सेठ जी। सुबू भाई आपने ही बोला कि आप वाव रिजॉर्ट कंपनी के सालों से मैनेजर है, फिर भी एक बात समझ में नहीं आ रही, आप अपनी कंपनी का नुकसान क्यों करवा रहे? अरे जेठालाल जी आप मेरी कंपनी का नुकसान मत देखिए, आपका और मेरा फायदा सोचिए। सॉरी सुबू भाई मैं ऐसा नहीं सोच सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा सोचना शुरू किया ना तो फिर कल को मेरा स्टाफ भी मेरी तरह सोचने लगेगा, पर वो मेरी कंपनी का फायदा कराने की जगह पे उसका खुद का फायदा कैसे हो उसके बारे में ही सोचेगा। सेठ जी मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन आपके साथ कभी बेईमानी नहीं करूंगा। अरे बागा मुझे पता है तू बहुत ईमानदार है भाई, मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक दो मिनट शांति रह। सुबू भाई आपके सेठ के आपको बहुत कम पकड़ देते कि आप इस तरह गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। जेठालाल जी मुझे लगता है आप जोश में बिना सोचे समझे बोल रहे हैं, जरा शांति से मेरे ऑफर के बारे में सोचिए फिर मुझे बताइए। देखिए सुबू भाई मैं जोश में आकर या बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोल रहा, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ सोच समझ के बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है मेरे बापूजी ने जीवन के कुछ बहुत बढ़िया सिद्धांत मुझे सिखाया है, उसमें सबसे बड़ा सिद्धांत है ईमानदारी। वो हमेशा कहते हैं कि बेटा गलती से भी कोई ऐसा काम कभी मत करना जिसकी वजह से तुम खुद अपनी नजरों में गिर जाओ। जेठालाल जी इसमें बेईमानी क्या है, कमीशन तो हर जगह है, आप जब प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो एजेंट को कमीशन देते हैं कि नहीं? देखिए सुबू भाई आप भी जानते हैं वो कमीशन और ये कमीशन दोनों अलग है, वो कमीशन के बारे में तो सबको पता है लेकिन ये कमीशन का जो आप बोल रहे हैं उसके बारे में आपके सेठ को पता है नहीं, तो ये तो बेईमानी हुई ना। जेठालाल जी सोच लो,
सुबू भाई, जहाँ सिद्धांत क्लियर होता है ना, वहाँ तय होता है कि ये काम करना है ये काम नहीं करना, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, तो मतलब आपका तय है कि आप मुझे कमीशन नहीं देंगे? नहीं, अगर आप ये डील बिना कमीशन के मेरे साथ पक्की करते तो मैं आपको एक ऐसी गिफ्ट दूंगा कि आप खुशम खुश हो जाएंगे। अच्छा, मतलब कान ऐसे नहीं ऐसे पकड़ना चाहते हो, मतलब आप मुझे रोकड़े में नहीं गिफ्ट में 10% कमीशन दोगे? सुबू भाई, ना मैं कान ऐसे पकड़ूंगा ना ऐसे पकड़ूंगा, मैं कान ऐसे पकड़ रहा हूँ कि सॉरी, मैं आपको कमीशन नहीं दे सकता। और आप खुशम खुश हो जाए ऐसे गिफ्ट से मेरा मतलब यह था कि हमारा जो कच्छ है ना, वहां से मैं आपके लिए स्पेशल एक मिठाई आती है गुलाब बाग, उसके 1-2 किलो के बॉक्स मंगा के आपको दूंगा, उससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि क्या फिर वो मेरे सिद्धांत के खिलाफ हो जाएगा ना। ये सिद्धांत सब बातों में अच्छे लगते हैं, आपका बहुत नुकसान होगा वो सोचो। मैं आखिरी बार ऑफर कर रहा हूं, अगर आपको ये डील करनी है तो मुझे 10% कमीशन दीजिए, वरना मैं दूसरी पार्टी के पास जाने वाला हूं और हो सकता है वो मुझे 15% तक कमीशन दे दे। हाँ, दे सकते। अभी दूसरों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ, और मैं आपको 15%, 10% क्या 100 रुपया भी सिद्धांत के खिलाफ जाके नहीं दे सकता। जेठालाल जी, आखिरी बार बोल रहा हूँ, सोच लो, आपको सिर्फ इस डील का नुकसान ही होगा, फ्यूचर की सारी डील्स भी आपके हाथ से जाएगी, हमारे बहुत सारे रिसोर्ट्स बनने वाले हैं जयपुर में, नागपुर में, बड़ौदा में, वो सारे डील्स भी आपके हाथ से जाएगी। वो तो भी जैसी हरी इच्छा। हाँ, कॉफी आ गई। लीजिए, कॉफी लीजिए। नो, बाय।